हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवी 008। भाइयों, आज अपने साथ खड़ी है टोयोटा लेजेंडर 4x4 और ये गाड़ी ना टोयोटा फॉर्च्यूनर के ऊपर प्लेस करी गई है। तो शुरुआत करेंगे इसकी प्राइसिंग से। तो 46,54,000 रुपए ये एक शोरूम कॉस्ट करती है और मैं हूँ ग्रैंड टोयोटा मेरठ में, जहाँ पे 56,00,000 रुपए की ऑन रोड कॉस्ट कर रही है। अब 56,00,000 रुपए में जो टोयोटा लेजेंडर है वो हमें क्या ऑफर करती है भाई, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा। तो सबसे पहले इसका फ्रंट चेक करते हैं। इस तरह का कुछ फ्रंट रहने वाला है जिसमें कि जो ये इसकी विड्थ है ना 1.8 मीटर से ज्यादा की रहने वाली है। फ्रंट में आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं जो बहुत अच्छी चीज हो जाती है। और ये वाला जो पूरा पैटर्न है ग्लोसी ब्लैक के अंदर मिलता है, जो व्हाइट कलर के कॉन्ट्रास्ट में आने के बाद एक बहुत ही अच्छा लुक दे देता है। ऊपर से आप इसकी रूफ देखेंगे वो भी कॉन्ट्रास्ट में ब्लैक कलर की है, और व्हाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन का तो यार जन्मों जन्मों का रिश्ता है, आप लोग जानते ही हैं। नीचे स्केट प्लेट मिलती है जो एक बहुत अच्छा लुक देती है। कुछ जो चीजें हैं ना वो क्या अच्छी हैं, जैसे कि इसकी जो ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स ना काफी अच्छा थ्रो है। पूरा एलईडी का सेटअप रहने वाला है, हाई और लो बीम का काम यही करेंगे। नीचे की तरफ इंडिकेटर प्लस डीआरएल मिल जाते हैं। और ये इसके फॉग लैंप्स देखो भाई, देखने में ही ये बटन सा छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसका जो थ्रो है ना सामने वाले की आंखें चुंदिया जाए, उतना तगड़ा रहने वाला है। अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पे। ओवरऑल इसकी लेंथ चेकआउट करो तो इस गाड़ी की जो लेंथ है आपको 4795 mm की मिल जाती है, जो एक बहुत अच्छी हो जाती है। और व्हील बेस जो मिलता है इस गाड़ी के अंदर आपको वो भी काफी अच्छा मिलता है, 2745 mm का व्हील बेस और 220 mm से ज्यादा की ग्राउंड क्लियरेंस है। लेजेंडर के अंदर ना आपको इस तरह के डायमंड कट के अलॉय व्हील मिलते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं। और आपने देखा होगा कि अलॉयज में ना जनरली 4 स्क्रू होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पे भाई 6 दे रखे हैं। टोयोटा की बैजिंग हो जाती है, कुछ ये पार्ट अंदर को है और बहुत प्यारा लग रहा है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। बाकी भाई जो प्रोफाइल रहती है 265/60R18 18 इंच का अलॉय है। बाकी ये क्लैडिंग्स चेकआउट करो और यहाँ पे आपको ये इस तरीके से फुटस्टेप मिल जाते हैं। ओवरऑल लुक काफी अच्छा है। ORVM के जस्ट नीचे आपको यहाँ पडल लैंप मिलता है और ये हो जाते हैं इसके इंडिकेटर। ये पार्ट यार मैट ब्लैक के अंदर है और ये पूरा ना इस तरीके से पीछे तक मैट ब्लैक में जाएगा, और ऊपर जो रूफ है वो भी भाई आपको मैट ब्लैक के अंदर है। सिल्वर कलर की रूफ रेल्स मिल जाती हैं। देखो इसमें सनरूफ वगैरह कुछ नहीं आती है, और ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना भी मिलता है जो ब्लैक कलर के अंदर ही है। ग्लासेस दिख रहे होंगे आपको कुछ हरे हरे से, इसके अंदर यार यूवी कट ग्लासेस मिलते हैं। और बाकी ये देखो इसका पूरा साइड प्रोफाइल, गाड़ी देखने में कितनी ही अच्छी लगती है। क्रोम कलर के अंदर आपको हैंडल्स मिल जाते हैं, और जो इसकी ये गार्निश है ये भी आपको पूरी क्रोम के अंदर मिलती है। देखो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो कुछ चीज़ों को अच्छा बना देती हैं। ये नीचे का पार्ट देखोगे आप, पूरा ग्लोसी ब्लैक कर रखा है, और ये जो लाइट्स है ना पूरी LED की रहने वाली हैं, और इनका लुक बहुत ही गजब का आता है यार, बहुत ही गजब का। रात में देखोगे ना तब पता लग पाएगा आपको। फ्रंट में और रियर में दोनों तरफ आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिलते हैं जो बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसी के अंदर रिवर्स लैंप, स्टॉप लैंप सब हो जाता है। बाकी 4x4 की भाई बैजिंग है ना Sigma 4, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। और ये वाला पार्ट देखो आप कितना सही लग रहा है, 4-4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हो जाते हैं। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स और नीचे वाला जो पार्ट है स्किड प्लेट वाला पूरा ग्लोसी ब्लैक है। बाकी जो स्पेयर व्हील है वो आपको यहाँ प्लेस करा गया है, और डिपार्चर एंगल आप चेकआउट करोगे तो वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा ही हो जाता है। ये गाड़ी ना अपने रफ लुक के लिए मानी जाती है, क्योंकि रफ एंड टफ रोड पे बहुत अच्छे से चलती है। बाकी यहाँ पे इसका कैमरा प्लेस करा गया है, काफी सही प्लेसमेंट है, ठीक है ना। और ये वाला पार्ट पूरा आपका ब्लैक हो जाता है, और लेजेंडरी की बैजिंग जो है ना वो भी ब्लैक कलर के अंदर है। यहाँ पे ना आपको वाइपर, ये आपको डिफोगर्स, हाई माउंट स्टॉप लैंप, और ये जो स्पॉइलर है ना देखो कितना बड़ा और कितना अच्छा स्पॉइलर मिलता है। और बात कर रहा था मैं अच्छी चीज की, तो इसके अंदर जो इसका टेल गेट है वो आपको इलेक्ट्रिक मिल जाता है। ये देखो आप, पूरा इलेक्ट्रिक है, और इसको अपने हिसाब से किसी भी हाइट पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और बाकी यहाँ से इसको बंद कर सकते हो, ये इसकी वार्निंग्स दे रखी हैं। और देखो आप इसको किस किस तरीके से खोल सकते हो, नीचे आप पैर स्वाइप करोगे तब भी खुल जाएगा ये, ठीक है। बाकी सेंसर से खुल जाएगा, चाबी से खुल जाएगा, अंदर से खुल जाएगा। स्पेस ना यहाँ पे काफी सही है, कंपैरेटिवली 7-सीटर में देखा गया है यहाँ पे कम स्पेस होता है, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस आपको मिल जाता है। ये आप खुद देखो, यहाँ पे अच्छे खासे आपके दो दो बैग्स आ जाएंगे। बाकी सीट्स की काफी कंफर्टेबल हो जाती है, तो भाई ये वाली जो सीट्स है ना इसको यहाँ से आप टंबल करके उठा भी सकते हो, तो इसमें काफी अच्छा खासा स्पेस बन जाता है। बाकी सबसे मेन क्या, पीछे वाले जो पैसेंजर्स है ना उनके लिए कम्फर्ट देखने के लिए क्या क्या चीज देखी जाती है, तो पीछे वाले के लिए जो पावर सॉकेट है ना वो आपको इधर देखने के लिए मिलेगा,
इसके मल्टीपर्पज यूज हैं, पीछे वाले जो सीट वाला है ना वो पर्सन भी यूज कर सकता है, बाकी टायर इन्फ्लेटर के लिए भी यूज हो सकता है और एज ए नेसेसरी के लिए भी यूज हो सकता है। दूसरा चीज होती है एसी वेंट्स, तो देखो इसमें एसी वेंट्स दे रखे हैं, बिल्कुल भी सफोकेशन नहीं होने का, और यहाँ पे जो स्पेस है वो भी डिसेंट अमाउंट का स्पेस आपको मिल जाता है, बाकी दोनों तरफ ही आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं जो एक काफी अच्छी चीज हो जाती है। और जो लाइट है ना यहाँ पे आपको ये लाइट भी दे रखी है जो हेलोजन के अंदर है, बाकी जो अंदर वाली लाइट्स है वो आपको एलईडी के अंदर मिलती है। ये कुछ ट्विस्ट सा हो जाता है, बाकी ये पूरी कवरिंग हो जाती है। करते हैं इसको बंद। सबसे मेन आता है इसका कि इसके अंदर आपको कितनी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यार इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर फ्यूल टैंक कैपेसिटी अच्छी होनी बहुत जरूरी होती है। 80 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है इसके अंदर। माइलेज कितना एक्सपेक्ट करोगे? जैसे कि डीजल के अंदर है तो डीजल में वैसे भी जनरली माइलेज अच्छा ही आता है, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी में 2.8 लीटर का इंजन कितना माइलेज दे देगा आपको? तो भाई देखो 10 तक का माइलेज आप मान सकते हो कि ये देगी, उससे ऊपर बाकी आपके चलाने के ऊपर हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करेगा और कम भरती भी हो सकता है। आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो ये रहेगी इसकी रियर की डोर ट्रिम। ये पूरा आपको इसमें कलर कॉम्बिनेशन मिलेगा जो काफी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा मेहरून कलर हो जाता है, चेमॉइस भी इसको कह सकते हो आप, और जो स्टिचिंग है ना वो भी इसी कलर में है। बाकी ये पूरा सॉफ्ट टच है, ग्लोसी ब्लैक, ऑल फोर पावर विंडोज जो कि आपकी ऑटो अप एंड डाउन हो सकती हैं सिंगल टच से। नीचे आपको बटन लैम्प, ये बोतल की प्लेसमेंट, चार स्पीकर, दो ट्विटर। यार पहले इसमें स्पीकर ज्यादा आया करते थे लेकिन अब कहीं ना कहीं स्पीकर कम हो गए हैं। बाकी चाइल्ड सेफ्टी लॉक जो लगभग सब में इस पे है ही स्टैंडर्ड, ये आपका फॉर्च्यूनर, ठीक है। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बाकी इसके अंदर भी आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती हैं, ये आपकी भाई रहने वाली हैं। सेंटर में आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है जो काफी सही हो जाता है, ये रह रहा भाई, और ये हो जाता है इसका कप होल्डर। बाकी भाई रिक्लाइन एंगल आपको दिखाई दे रहा है, कितना आप इसको रिक्लाइन कर सकते हैं, और सीट देखो भाई खूब चौड़ी है, कंफर्ट में किसी भी तरह की यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे कि गाड़ी काफी ऊंची है तो चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, आप यहाँ से अपना चढ़ सकते हो। बाकी पकड़ने के लिए यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं है, आपको इसकी सपोर्ट लेनी पड़ेगी। ये देखो भाई स्पेस तो यार बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्पेस है। और मैं आपको एक चीज दिखाऊं ना, ये रिक्लाइन एंगल देखो आप, पूरा रिक्लाइन एंगल है, इतना कंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पेस देख लो आप, हेड स्पेस भी बहुत अच्छा है इसके अंदर। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है वो रहने वाला है यार इसमें, ये एसी वेंट्स, किसी भी तरह का सफोकेशन नहीं होगा, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स हैं जो बहुत सही रहते हैं। ये सारे कंट्रोल्स हो जाते हैं इसके ब्लोअर वगैरह के, और ये लाइट हो जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया एलईडी के अंदर, सिर्फ पीछे वाली आपको हेलोजन के अंदर मिलेगी। बाकी सेम इस तरीके से आपको हुक के साथ ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और सेम एज आपको इधर भी मिल जाएगा। सेंटर में देखोगे ना आप तो सेंटर में आपको दो सॉकेट दे रखे हैं यार चार्जिंग के, ये देखो आप टाइप सी और टाइप सी, बहुत सही हो गया, टाइप सी का ही ज़माना आने वाला है, वैसे भी काफ़ी हद तक आ भी चुका है। ये फिनिशेस हैं, ये आपको मोबाइल रखने के लिए जगह मिल जाती है, और ये आर्मरेस्ट बीच वाला काफ़ी ठीक हो जाता है। दोनों तरफ ही आपको 4 kg का हुक मिल जाएगा, वैसे तो सामान कौन ही टांगता है, पर फिर भी इमरजेंसी में अगर टांगने लगो तो उसके लिए ये हो जाता है। बाकी पॉकेट मिल जाती है आपको, और पॉकेट भी काफ़ी सही है, लेदर की सीट्स हैं, टच एंड फील इसकी काफ़ी अच्छी है। आते हैं इसके फ्रंट में, क्योंकि ये देखो आप इसका भाई फ्रंट, आगे चल के पूरा डिटेल में देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो भाई वही सेम रिक्वेस्ट सेंसर, ड्राइवर साइड खोलो, डोर काफ़ी हैवी हैं, ठीक है, सॉफ्ट टच है, काफ़ी सही हो जाता है, नीचे बटन लैंप मिल जाता है आपको, और इधर अपनी आप बोतल प्लेस कर सकते हैं, बाकी स्पेस भी ठीक ठाक है। स्पीकर मिल जाते हैं चार, दो ट्विटर मिल जाते हैं, बाकी फिनिशेस कुछ ऐसी रहने वाली हैं, और ये सारे आपके विंडो के स्विचेस एंड ORVM के स्विचेस हो जाते हैं। बाकी इधर क्या अच्छा है, इधर भी आपको इलेक्ट्रिक सीट्स मिल रही हैं, मतलब फ्रंट की दोनों सीट्स आपकी इलेक्ट्रिक हो जाती हैं जो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। बोस्टिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है, और ये हो जाती है इसकी की, जिसमें कि आपको लॉक अनलॉक और बूट खोलने के लिए बटन मिल जाता है। फॉर्च्यूनर की आपको ये चाबी मिल जाती है, ये देखो इधर आपको ये ग्लास रखने के लिए, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ पे क्या क्या है ये देखो आप, ये हो जाता है भाई आपको जो पीछे बूट है ना उसको ऑन ऑफ करने के लिए इलेक्ट्रिक, DPF, पार्किंग ऑन ऑफ, और यहाँ से खोलने के लिए, यहाँ से अपना बोनट चलो खोल ही लेते हैं, और ये फ्यूल लिड खोलने के लिए। ऑटोमेटिक वेरिएंट है, सिर्फ ऑटोमेटिक में ही अवेलेबल है, ठीक है, ये आपका डैट पैडल हो गया। सबसे अच्छा क्या है, जब फ्रंट की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको ये हैंडल्स मिल जाते हैं, क्योंकि चढ़ने में दिक्कत होती है, स्टीयरिंग पकड़ के चढ़ेंगे तो यार लटक ना जाए, तो देखो यार ये देखो भाई चढ़ने के लिए, और ये देखो आप ये डैशबोर्ड रहने वाला है इसका, ये सारा पार्ट ना लेदर है ये वाला जो है, बाकी पीछे का पूरा हार्ड प्लास्टिक रहने वाला है। ये आपके ORVM हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हैं, ये आपके वाइजर जो आते हैं, लाइट्स भी मिल जाती हैं आपको, इधर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, और भाई ये आपका पूरा पैनल हो जाता है लाइट्स का ही, ऑन ऑफ आप यहाँ से कर सकते हैं इस तरीके से, तो ओवरऑल अच्छा हो जाता है। इधर भी आपको ये लाइट्स के साथ वाइजर मिल जाता है।
अब आती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो भाई, ये रहेगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एनालॉग ही रहने वाला है और इसके जो सारे कंट्रोल्स हैं ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा। ये प्लेसमेंट इसमें थोड़ी सी मुझे ऑकवर्ड सी लगती है, बट ठीक है क्योंकि यहाँ पे होते हैं ना तो काफ़ी हैंडी होते हैं। ये आपके कंट्रोल्स हो जाते हैं इसके स्टीरियो के, ठीक है, और फ़ोन काटना सुनना वो सब। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है बीच वाला पार्ट आपका इस तरीके से, और ये वाला जो पार्ट है ना ये देखो यहाँ पे भी ये मैरून सी स्टिचिंग कर रखी है। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं आपको, ये आपके वाइपर के कंट्रोल्स और ये आपके ऑटो हेडलैम्प्स के कंट्रोल हो जाते हैं। बाकी एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो ये आपका हाइट एंड रीच दोनों होने वाला है। बाकी पूरा लेदर का वर्क यहाँ पे भी कर रखा है, मतलब बहुत ही अच्छी गाड़ी लग रही है। ठीक है, ओवर प्राइस कहते हैं लोग इसको, बट गाड़ी बहुत प्यारा लुक दे रही है और चलने में तो देखो चला के जो लोग इसको चलाते हैं ना उसके फ़ैन हो जाते हैं। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले में मिल ही जाता है। और ये देखो आप, ठीक है, क्लोक हो गई, डुअल जोन एसी हो गया, यूनिट भी अच्छी लग रही है, और ये 4x4 इंगेज करने के लिए ये वाला सिस्टम। ये आपका 12 वोल्ट का सॉकेट हो जाता है, इधर टाइप ए का सॉकेट, और भाई वेंटिलेटेड सीट्स भी दे रखी हैं इसके अंदर। बाकी सेफ्टी फीचर्स में डाउन असिस्ट कंट्रोल। बाकी भाई ये देखो आप, इधर आपको वायरलेस चार्जर भी दे रखा है, और ये देखो ट्विन कप होल्डर्स वो भी कवर के साथ। पूरी ऑटोमेटिक की यूनिट हो जाती है भाई। ये है इसके अंदर मैनुअल, ये भी ऑटोमेटिक हो जाता तो अच्छा होता। बाकी तीन तीन मोड हैं, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, डिफरेंशियल। और ये देखो भाई, ये इसका आर्मरेस्ट, और आर्मरेस्ट की जो गहराई है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका कूल्ड हो जाता है और ये लेदर का रहने वाला है। ठीक है, और जो नीचे वाला पार्ट है आपका ये इस तरीके से काफ़ी डीप हो जाता है। अब बात आती है इसके इंजन की, तो इंजन को सिंपल यहाँ से खोल सकते हैं, जो मैंने पहले ही खोल लिया था। लेके चलता हूँ आपको फ्रंट में इंजन पे। तो भाई ये हो जाता है BS6 फेस 2 रेडी इंजन, 2.8 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन हो जाता है। पावर के मामले में 204 PS की पावर और 500 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक के अंदर ये प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। बाकी ये देख लो पूरी यूनिट, ऊपर आपको इंसुलेशन मिल जाती है, और माइलेज मैंने आपको बता ही दिया कि इससे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लगभग आपको जो माइलेज देगी 10 के आसपास तक का देगी, जो एट मैक्स मैं कह सकता हूँ मतलब अपने वर्ड्स में। बाकी रियल लाइफ में कमेंट्स में मुझे बताना कि क्या क्या आप इससे ले पा रहे हो। अब आती है सेफ्टी फीचर्स की बात, तो सेफ्टी फीचर्स के अंदर आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, 7 एयरबैग्स, इस तरह के आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। डाउनहिल कंट्रोल, फ्रंट में पार्किंग सेंसर, रिवर्स में पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑटो IRVM, तो इस तरह के आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी भाई अगर आपको ये गाड़ी अच्छी लगी हो, ये गाड़ी का रिव्यू अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।